वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एपोलाइपोप्रोटीन A1 टेस्ट के बारे में डिटेल में। यदि बात करें एपोलाइपोप्रोटीन टेस्ट की, तो ये टेस्ट जो होता है हमारे जो खून में एपोलाइपोप्रोटीन की मात्रा को मापता है, साथ साथ में हृदय रोग को जोखिम को पता लगाने में भी मदद करता है कि यदि एपोलाइपोप्रोटीन का लेवल कम या ज़्यादा होगा तो उससे इसका क्या संबंध होता है हार्ट डिजीज से। साथ साथ में हमारे शरीर में जो HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यदि बात करें एपोलाइपोप्रोटीन की, तो हमारे शरीर में काफ़ी तरीके के एपोलाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एपोलाइपोप्रोटीन A1, A2, C1, C2, C3, B100, B48, तो अलग अलग तरीके के हमारे शरीर में एपोलाइपोप्रोटीन्स होते हैं। यदि बात करें एपोलाइपोप्रोटीन अधिक होने पर क्या होता है, तो यदि एपोलाइपोप्रोटीन का लेवल अधिक हो जाता है तो व्यक्ति को हार्ट संबंधी समस्या, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा एपोलाइपोप्रोटीन टेस्ट के अन्य उपयोग भी होते हैं, जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें क्या होता है लिपिड का लेवल या LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर में अधिक हो सकता है। उसके अलावा जिन व्यक्तियों में डायबिटीज की समस्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है या किडनी डिसीज की समस्या वगैरह, तो इन सबको पता लगाने में भी एपोलाइपोप्रोटीन का योगदान होता है। उसके अलावा जिन व्यक्तियों को लीवर संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लीवर सिरोसिस है या फिर लीवर पर फैट वगैरह जम जाना, उस कंडीशन में भी एपोलाइपोप्रोटीन जो होता है मदद कर सकता है। एपोलाइपोप्रोटीन का जो रोल है वो कुपोषण के कंडीशन में भी हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन के केसेस में इसका लेवल यदि बहुत कम होता है तो ये भी इंडिकेट करता है कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन को। यदि हम बात करें एपोलाइपोप्रोटीन की रेफरेंस रेंज कितनी होती है, तो पुरुषों में इसकी रेफरेंस रेंज होती है 110 से लेकर 180 mg पर डेसीलीटर और महिलाओं में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है लगभग 110 से 205 mg पर डेसीलीटर। ये अलग अलग लैब में अलग अलग मशीन पे थोड़ा वेरी कर सकती है। इसके लिए अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।